नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास टेंथ हिंदी चितिस से आज हम चैप्टर नंबर 6 के सभी एमसीक्यूज देखेंगे। ये दंतुरित मुस्कान और फसल, इस पाठ के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। बने रहिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके एक दो प्रश्न भी गलत हो जाते हैं तो वीडियो को फिर से देखने की ज़रूरत है। फिर अगर आपके सारे प्रश्न के उत्तर सही आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? तो झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? ऑप्शन क्या है? झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना, गरीबी में आनंद होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा गरीबी में आनंद होना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, घ वाला। कवि को एक टक कौन निहार रहा है? कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु, मेहमान। यहाँ शिशु का मतलब होता है छोटा बच्चा। तो कवि को एक टक कौन निहार रहा है बच्चों? तो इसका सही उत्तर होगा शिशु, छोटा बच्चा है वो कवि को एक टक देख रहा है। एक टक मतलब पलक झपकाए बिना। तीसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलने की शक्ति है? किसे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ को, क्रोध को, कठोर व्यक्ति के मन को, पत्थर को। तो बच्चे में किसकी शक्ति है, किसको पिघला सकता है बच्चा? कठोर व्यक्ति के मन को भी पिघला सकता है। सही उत्तर गय। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि वह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के प्रश्न हल करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों नन्हे शिशु की। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों हताश व्यक्ति में, मतलब जो निराश व्यक्ति है उसमें आशा का संचार करती है बच्चे की मुस्कान, मुर्दे में भी जान डाल देती है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सूरज, कमल, चांदनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कमल। आशा है आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही हो रहे होंगे। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? किसकी ओर देख रहा है? कवि को देख रहा है, माँ को देख रहा है, पिता को देख रहा है, या किसी को नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों कवि को देख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, फसलों की। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों फसलों की। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल को, फसल को, हवा को, धूप को। उत्तर आपने सोच लिया होगा, 9वें का सही उत्तर होगा फसल को। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? बच्चों को बड़ा करने में, फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को। सही उत्तर होगा बच्चों फसलों को बड़ा करने में वायु का योगदान होता है। प्रश्न नंबर 11, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की, बच्चों की, कवि की, इनमें से किसी की नहीं। तो किसकी मेहनत छिपी होती है? ये तो आपको पता ही है बच्चों कि फसलों में किसानों की ही मेहनत छुपी रहती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। आगे है, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? बीजों का है, खनिज लवणों का है, पौधों का है, सूर्य की किरणों का है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सूर्य की
किरणों का है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? प्रश्न नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इस प्रकार हैं, बादलों के, तालाब के, नदियों के, नहरों के। तो इसका सही आंसर होगा नदियों के। प्रश्न नंबर 14, शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? बहन होती है, नानी होती है, माँ होती है या कोई नहीं? तो सबको पता है शिशु की यानी कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है, आपके कितने गलत हुए हैं वो यहाँ पर आप उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं, यहाँ उत्तर दिए हुए हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और कितने सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। थैंक यू सो मच।